25 दिसंबर 2020 को इलाहाबाद सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी के मीडिया प्रभारी अभिषेक शुक्ला ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इलाहाबाद सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी विकास खंड कार्यालय परिसर कर्चना में आयोजित कृषि मेला गोष्ठी एवं प्रदर्शनी तत्पश्चात भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कृषकों के साथ संवाद एवं संबोधन जो कि एक एलईडी टीवी के माध्यम से दिखाया गया उसमें किसानों के साथ सम्मिलित हुए। इस अवसर पर इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने सर्वप्रथम भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके चित्र पर माल्य अर्पण किया। साथ में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्र पर भी माल्य अर्पण किया। सांसद जोशी जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वप्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के प्रहरी भारत को नैतिक आधार देने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज हम सब भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम था जो हर एक के हृदय में है और रहेगा, चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो, शिक्षित और अशिक्षित हो, सभी अटल जी को बहुत सम्मान देते थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी के नाम पर कई योजनाओं को भारत में लागू किया है। प्रोफेसर जोशी ने कहा, हमारी सरकार हर बिंदुओं पर किसानों के साथ खड़ी रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में जो कृषि कानून लाए हैं उससे किसान की आय बढ़ेगी और किसानों को अपना अनाज बेचने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। प्रोफेसर जोशी ने कहा, विपक्ष के लोग किसानों के साथ षड्यंत्र रच कर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भाजपा जिला उपाध्यक्ष यमुना पाल, त्रिवेणी प्रसाद पांडे, ज्ञान सिंह पटेल, राजेश शुक्ला, मंडल अध्यक्ष पंकज द्विवेदी, अजय सिंह, परि पांडे, पूर्ण विधायक दीपक पटेल, पीयूष रंजन निषाद, डॉक्टर भगवत पांडे, राम भवन द्विवेदी, सांसद जनसंपर्क प्रभारी संत प्रसाद पांडे, राजेश त्रिपाठी, बाबा तिवारी, मनु कक्कड़, मानस शर्मा, एसडीएम कचना विनोद पांडे, वीडियो नवीन कुमार गुप्ता तथा किसान भाई ब्रिजेश कुमार, कांसी राम पटेल, सिपिन पाल, सुशील पाल, शिवराज सिंह आदि सैकड़ों किसान भाई उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए अभिषेक मिश्रा की खास रिपोर्ट।